के सोपान क्रम में, मूल्यों का जो सोपान क्रम है वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आपके सामने अगर दो मूल्य टकरा जाएं, जीवन रक्षा का मूल्य और आत्मरक्षा का मूल्य, किसी का जीवन बचाना है या अपना जीवन बचाना है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जीवन बचाएंगे कि दूसरे का जीवन बचाएंगे? अपना सर। बताइए सर, दूसरे का बचा पाएंगे अपना सर। एथिक्स का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप फर्जी बोले सर, अपना बचाएंगे तभी तो दूसरे का बचा, क्योंकि अपना ही जीवन सबसे पहले आप बचाएंगे। अपना जीवन भाई आप सबसे पहले स्वयं के लिए उत्तरदायी है ना, अगर आप अपना ही जीवन नहीं बचा रहे हैं तो ये भी गलत है। तो अपना जीवन सबसे पहले बचाएंगे, आत्मरक्षा यानी जो जीवन रक्षा का मूल्य है उससे बड़ा मूल्य कौन सा होता है, आत्मरक्षा का मूल्य। आप दूसरे के बचाने के लिए किसी की हत्या कर दें इसके लिए आपको कानून माफ नहीं करेगा, लेकिन आप अपना जीवन बचाने के लिए किसी की हत्या कर दें इसके लिए कानून आपको माफ कर सकता है। क्यों? आप इसी से इसकी तुलना कीजिए कि आप सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार देते हैं तो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन अगर यदि आप दूसरे की रक्षा में मारते हैं तो कार्यवाही हो भी सकती है। फिर क्या है, जीवन का मूल्य वर्सेस पंक्चुअलिटी, किसी का जीवन बचाना है या आपको अपनी पंक्चुअलिटी बचानी है। जैसे आपको कार्यालय 10 बजे पहुंचना है, ठीक है, और कोई व्यक्ति रास्ते में पड़ा है, चोटिल है, और अगर आप उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाए तो उसका जीवन भी जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप किसे बचाएंगे? सीधी सी बात है, आप जीवन को बचाएंगे। भाई पंचुअलिटी उतना बड़ा साध्य नहीं है ना, जितना बड़ा साध्य जीवन का मूल्य है। तो यहां आपको ये भी से हमारी जो नैतिक दुविधाएं होती हैं उसमें अगर हमें क्लैरिटी हो कि किसका हाथ पकड़ना है, किसका हाथ छोड़ना है, या किस मूल्य का अनुसरण करना है, किस मूल्य को छोड़ना है, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। समझ गए? जो आपका नैतिक दुविधा होती है उसे मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? मार्गदर्शन ऐसे ही मिलेगा कि आपको ये पता हो कि कौन सा मूल्य ज्यादा मूल्यवान है। ठीक है, क्लियर हरि और नूतन? जी सर। जी सर, जी सर। नैतिक मार्गदर्शन जो हेडिंग है उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हमने ये देखा कि निजी जीवन की कुछ दुविधाएं होती हैं, उसमें हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नैतिक मार्गदर्शन का। हम ये देख सकते हैं कि पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ जब लिखने कहेंगे तो आप लिखना। निजी जीवन की कुछ दुविधा रही, कैसी दुविधा होती है, मूल्यों में ऊपर नीचे कौन सा मूल्य ज्यादा प्रभावी है कौन सा नहीं। फिर दूसरा क्या हो सकता है, व्यापक हित को आपको प्राथमिकता देनी है। जो भी व्यापक हित है आपके, मान लीजिए कोई ऐसा हित है किसी आपके किसी एक्शन से 3 आदमियों की जान बच रही है और किसी एक्शन से 10 आदमियों की बच रही है, आप 500 आदमियों की बच रही है, तो आप व्यापक हित को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, क्लियर। एक और दृष्टिकोण होता है लागत लाभ का मूल्यांकन, कॉस्ट बेनिफिट का मूल्यांकन। लागत लाभ का मूल्यांकन, इसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर आप नाव में जा रहे हैं, दादाजी भी हैं और पोता है और आप हैं, क्योंकि आप करता है तो आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आप 20 साल की एज में हैं तो अभी आप में बहुत संभावना है काम करने की, करेंगे, और जो बच्चा है उसे भी आगे एक बेहतर मानव संसाधन बनेगा, लेकिन जो बुजुर्ग है जो 65-70 साल की एज में है उसने अपना पूरा जीवन जी लिया है, ऐसी परिस्थिति में अगर बलिदान देने की बारी आती है कि नाव डूब रही किसी एक को उतरना ही पड़ेगा तो दादाजी को ही उतारा जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट। आप ऐसे भी देखें कि आप, ये तो मैं उदाहरण दिया आपको समझने के लिए, आप ऐसे भी देखें कि जब भी सरकारी कार्य आप करते हैं तो सरकारी कार्यों में हमेशा उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, उस टेंडर वाले को जो कम
लागत में बेहतर करके दिखाए। तो टेंडर पढ़ते हैं, टेंडर में क्या होता है कि भाई काम गुणवत्ता से होना चाहिए लेकिन पैसा कौन कम लेगा। जी सर, जो पैसा कम लेता है उसी को सरकार टेंडर दे देती है। जी सर, बिल्कुल सर। तो वहां पे भी तो दुविधा होती है कि महेंद्र को दे कि सुरेंद्र को दे कि नरेंद्र को दे टेंडर। तो आप क्या करते हैं, टेंडर लगवा लेते हैं, बोली लग जाता है, निविदाएं आ जाती हैं। जी सर। फिर आप उसमें देखते हैं ये तो आप सुनिश्चित करते हैं गुणवत्ता यही रहेगी, इस गुणवत्ता के अगेंस्ट आप पैसा कितना लेंगे, तब वो बताएगा, कोई बताएगा हम 10 रुपया लेंगे, कोई कहेगा 9 रुपया लेंगे, कोई कहेगा 9 रुपये 50 पैसा लेंगे। तो आप 9 रुपये वाले को टेंडर दे देंगे। क्या करते हैं आप वहां पे कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं कि इतना कॉस्ट लग रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। फिर है अंतरात्मा की आवाज। जब भी आपको नैतिक मार्गदर्शन लेना हो तो अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। ये बड़ा व्यापक शब्द है, इस पे जबरदस्त चर्चा होगी आगे की अंतरात्मा क्या होगी। देखिए किसी व्यक्ति की अंतरात्मा उतनी ही सुशिक्षित प्रशिक्षित और दक्ष होगी, उतना ही अच्छा निर्णय देगी जितना ही उसने ज्ञान अर्जित किया हो। अगर आप ज्ञान ही नहीं अर्जित किए हैं, अपनी आत्मा को प्रशिक्षित ही नहीं किए हैं, तो आपकी अंतरात्मा क्या आवाज निकालेगी, वही निकालेगी ना जो जिस परिवेश में होगी। कोई भगवान की आवाज तो है नहीं, जैसे आप मुस्लिम संप्रदाय में पैदा हैं तो बकरा ईद के दिन आपको बकरे को देख के बहुत ज्यादा दया सी आए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप जैन समुदाय में पैदा हैं, जैन समुदाय के वैल्यूज को लेके हैं, तो आपको हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा चिघाड़े कि आपको किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। तो अंतरात्मा आपने देखा दोनों जगह अलग अलग तरीके से एक्शन ले रही है। कुछ विद्वान ये कहेंगे कि अंतरात्मा ईश्वर की आवाज है, ये है वो है, लेकिन आप ऐसे ही सोचिए जो आपकी अंतरात्मा है वो कहाँ से आती है, वही जो आपने बचपन में मूल्य सीखे हैं उसी से प्रशिक्षित हुई है वो। तो अभी हम उस पे चलेंगे, अंतरात्मा की आवाज से भी आप निर्णय ले सकते हैं। जब मुद्दा इतना जटिल हो कि उस पे ना कोई, देखिए अंतरात्मा की आवाज हम कब सुनते हैं, जब उस पे कोई नियम कानून विधि कुछ ना हो, कोई पूर्व उदाहरण भी ना हो। ऐसी परिस्थिति में जब निर्णय लेना होता है तो हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। मनोवैज्ञानिकों से सलाह लें, वरिष्ठों से सलाह लें, मित्रों से सलाह लें। अगर आप कोई नैतिक दुविधा में फंस गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वरिष्ठों से सलाह ले सकते हैं, वरिष्ठ ऑफिसर से कि सर जब आप इस मुद्दे पे फंसे थे तो आपने कैसा निर्णय लिया था, या गुरु से पूछ सकते हैं, ठीक है, दोस्तों से पूछ सकते हैं कि भाई कैसा। इससे क्या होता है, जो आपकी आत्मा होती है और प्रशिक्षित होती है, अंतरात्मा जो विजन होता है वो और क्लियर होता है आपका। तो अब आप एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि हमें हमारा जो नैतिक मार्गदर्शन है कैसे बेहतर हो सकता है, एथिकल गाइडेंस। मूल्यों का सोपान क्रम स्पष्ट होना चाहिए, मूल्यों का सोपान क्रम स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरणार्थ जीवन रक्षा का मूल्य आत्मरक्षा के मूल्य से कमजोर है, जीवन रक्षा का मूल्य ग्रेटर और लेसर का साइन लगाइए, ग्रेटर आत्मरक्षा, आत्मरक्षा इज ग्रेटर मूल्य देन जीवन रक्षा का मूल्य, ठीक है। तो जीवन रक्षा का मूल्य उससे ज्यादा बड़ा मूल्य कौन है, आत्मरक्षा का मूल्य, एक लाइन। दूसरा लाइन, जीवन का मूल्य पंचुअलिटी के मूल्य से ज्यादा बड़ा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमें इस टाइम पहुंचना ही पहुंचना है, अब कोई मरा है गिरा है तो आपको उसको भी देखना है भाई, ऐसा नहीं है कि आप पंचुअलिटी बहुत ज्यादा काम में है, काम में क्या है, जीवन रक्षा। फिर दूसरा पॉइंट आप देखिए, व्यापक हित को प्राथमिकता देना, व्यापक हित को आप प्राथमिकता देना। तीसरा पॉइंट है लागत लाभ का मूल्यांकन, आप लागत लाभ का जो मूल्यांकन है उस पे आप देखिए, ठीक है। नाव में दादाजी वाला आप उदाहरण ले सकते हैं, दादाजी पोते वाला, याद रखने के लिए कि अगर नाव में किसी को उतारना ही पड़ गया मध्य में तो दादाजी उतार दिए जाएंगे। अंतरात्मा की आवाज का भी आप ध्यान रखेंगे और मनोवैज्ञानिकों से सलाह लेंगे, अगर आप फंसते हैं मनोवैज्ञानिकों से, मित्रों से, वरिष्ठों से। हम अपने से जो वरिष्ठ इस मामले में ज्यादा जानकार होते हैं उनसे जब सलाह लेते हैं तो उनके अनुभव भी हमें सीखने को मिलते हैं। एक
सिविल सेवक से जुड़ी हुई जो भी नैतिकता है, सिविल सेवक से जुड़ी जो दुविधाएं हैं, उसमें हम कैसे निर्णय लेंगे? सिविल सेवा से जुड़ी दुविधा, सिविल सेवा से जुड़ी दुविधा। अगर इसमें ये देखना है कि आप किस मूल्य को फॉलो करेंगे, तो कौन मूल्य टॉप पे रहेगा, कैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा प्राथमिक मूल्य संविधान तथा उसके मूल्य, ये तो मानते ही है एज ए सिविल सेवक, आपको सबसे पहले संविधान तथा उसके मूल्यों को ध्यान में रखना है। उसमें भी किसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, न्यायिक निर्वाचन सर्वश्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी अनुच्छेद का संवैधानिक न्यायिक इंटरप्रिटेशन हो गया है, तो आप उसको पहले मानेंगे, फिर अनुच्छेद। जैसे आर्टिकल 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का प्राण लिया जा सकता है, इसी में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसका ज्यादा ख्याल रखेंगे। जेल में कोई बंद होता है, ठीक है वो क्रिमिनल है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उसकी जान ली जाएगी, लेकिन फिर भी उसके गरिमापूर्ण जीवन से हम समझौता नहीं कर सकते। अगर वह मानव है तो गरिमापूर्ण जीवन जिएगा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है संविधान तथा उसके मूल्यों में अगर आप देखेंगे तो जो न्यायिक निर्वचन होते हैं, इसे हम ज्यूडिशियल स्टे हम ऐसे बोल सकते हैं, जो न्यायिक निर्वचन जैसे कोई वाद होता है उसमें हमारे संविधान की जो हमारे जस्टिस हैं, जस्टिस साहबान अगर कोई निर्णय दे देते हैं उस पर ज्यादा हमें अपना ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 में उन्होंने बतलाया कि मानव की गरिमा सर्वश्रेष्ठ है, यानी गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना है, तो गुणवत्तापूर्ण जीवन ज्यादा प्राथमिक व्याख्या है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद में जो लिखा है उसे मानेंगे। तो पहला सबसे फर्स्ट आप किसको ध्यान में रखेंगे, संविधान तथा उसके मूल्य। उसके बाद आप देखेंगे कोई विधि या कानून है, एक्ट, विधि या कानून, क्लियर। फिर नियम और विनिमय देखेंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और विनिमय। नियम और विनिमय ये कौन से होने चाहिए, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी बनाते हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी बनाते हैं, आप उन्हीं को। फिर आप देखेंगे कोई नीति संहिता, आचरण संहिता है क्या इसी मुद्दे पे, हमारी कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, नीति संहिता या आचरण संहिता। फिर आप वरिष्ठों और समकक्षों की सलाह लेंगे, आपके सीनियर ऑफिसर्स और आपके काउंटर पार्ट्स या आपके जो भी काउंटर पार्ट्स हैं उनसे सलाह लेंगे आप। फिर आप अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। तो नैतिक दुविधा एज ए सिविल सेवक, अगर आपके सामने किसी मामले में डिलेमा आता है, नैतिक दुविधा आती है, तो सबसे पहले आप संविधान तथा उसके मूल्यों को, उसके बाद आप देखेंगे कोई विधि या कानून, फिर नियम और विनिमय, फिर आचरण संहिता या नीति संहिता, इसे देखेंगे नीति संहिता या आचरण संहिता, पहले कोड ऑफ एथिक्स, फिर कोड ऑफ कंडक्ट। फिर वरिष्ठों और नागरिकों की, वरिष्ठों और मित्रों की सलाह लेंगे या समकक्षों की, माफी चाहता हूँ आप सिविल सेवक हैं तो वहां मित्र नहीं, वहां समकक्ष होते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं के एसडीएम है तो बगल वाले एसडीएम से फोन करके पूछेंगे कैसी मुद्दे पे आपने क्या किया, तो आपको बताएंगे। अंतरात्मा की आवाज आप सबसे लास्ट में सुनेंगे, क्लियर। yes, अगर एज ए सिविल सेवक आपके सामने कोई भी दुविधा आती है तो आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, मूल्यों के स्तर पे किस मूल्य को माने आप, तो ये क्लियर हो गया। फिर क्या है, कानून की कमियां, कानून की कमियां, कानून अगर अनैतिक है, कानून अनैतिक है तो इसका एक कारण तिथि बाध्यता हो सकता है। अगर कोई कानून अनैतिक है तो इसका एक कारण क्या होता है, कोई तिथि बाह्य हो, यानी आउटडेटेड हो गया, जैसे जिस समय और परिस्थिति के अनुसार वह कानून बनाया गया था अब वह उस कानून के रहने की परिस्थितियां नहीं रह गई है,
क्लियर, जैसे मीसा एक कानून था अपने यहाँ, मीसा अपने यहाँ एक कानून था, मीसा कानून अब की परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है तो इसे हटा दिया गया। या कभी कभी कोई कानून ऐसा होता है कि जो मुद्दा है उसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा है तो हम उसे कानून की अपर्याप्तता भी बोल सकते हैं। ऐसे में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या फॉलो करना है। अब कोई कानून ऐसा भी हो सकता है जो समाज के किसी वर्ग के विरुद्ध हो, जैसे आईपीसी की धारा 377 पहले गलत थी, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो किन्नर समुदाय था उसको उसके जो भी आपसी संबंध थे उसमें संविधान को आपत्ति थी, आईपीसी की धारा को, उसमें कहा था कि आप प्राकृतिक तरीके से जो भी संबंध बनते हैं उनमें इन संबंधों को कायम की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन आप बताइए संविधान उस हाई कोर्ट के जजमेंट के पहले उस वो अगर जो यह करता पाया गया वह जेल में गया लेकिन आज उसे सही माना जा रहा है। तो हमें देखना है कि कानून कहीं अनैतिक तो नहीं है, कानून अनैतिक कैसे हो सकता है। एक उसका कारण तिथि बाह्यता है यानी आउटडेटेड हो गया हो, दूसरा कारण क्या है कि हो सकता है कि अपर्याप्त हो, तीसरा कारण यह है कि समाज किसी वर्ग के विरुद्ध भी हो सकता है। जैसे कभी कभी आप कानून का फॉलो करते समय ये देख सकते हैं कि कानून में कुछ कमी है, ऐसे में क्या करेंगे आप निर्णय लेते समय थोड़ा होल्ड रखेंगे, उसे तुरंत आप निर्णय नहीं ले लेंगे कि भाई ठीक है तो सजा देनी है और आपको पता है कि मामला विचाराधीन चल रहा है। मान लीजिए आपने 377 का वायलेशन करते हुए किसी को पकड़ा किन्नर समुदाय को और उस समय आपको लग रहा था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आप उसे सजा देने के बजाय उसे होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, यह भी आपको देखना है। समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा अभी एक लाइन और आगे बढ़ाइए कि अच्छे कानून की विशेषता क्या होती है, अच्छे कानून की विशेषता क्या होती है? तभी तो गलत कानून जानेंगे। अच्छा कानून क्या होता है, उसे प्रगतिशील होना चाहिए तथा उसे समाज के समतलीकरण में तत्पर होना चाहिए, उसे प्रगतिशील होना चाहिए और उसे समाज के समतलीकरण में तत्पर होना चाहिए। कानून प्रगतिशील हो और समतलीकरण यानी सबको बराबर पे ले जाने की भावना हो, उसमें समाज में कोई ऊंच नीच भेदभाव ना क्रिएट करे, ठीक है। मध्यकाल में क्या होता था कि अपराध के लिए जो सजाएं थी वो अलग अलग थी, ठीक है, एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को अलग अपराध दंड, क्षत्रिय को अलग दंड, शूद्र वैश्य को अलग दंड, शूद्र को अलग दंड था, ठीक है। और एक ही कोई क्राइम कर रहा है जिसके लिए भी, जैसे अगर ब्राह्मण चोरी करता था तो उसे ज्यादा बड़ा अपराध माना जाता था, वनस्पत दंड सूत्र शूद्र। अगर मान लीजिए किसी अपराध के लिए ब्राह्मण को सजा कोई दी गई है तो ब्राह्मण को बहुत हल्की सजा दी जाती थी, क्षत्रिय को कोड़े से मारा जाता था, ठीक है, वैश्यों से आर्थिक जुर्माना लिया जाता था कस के, उन्हें भी ठीक ठाक सजा मिलती थी, और शूद्र बेचारों को विष परीक्षा की जाती थी। मान लीजिए ये कितना कठोर बात थी कि आप उसे विष खिला के, जो माँ सीता की आपने अग्नि परीक्षा पढ़ी थी ना, वो अग्नि परीक्षा क्यों की गई थी? जैसे पहले क्या होता था, अगर ब्राह्मण है तो उसे पानी की परीक्षा देनी होती थी अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए, पानी में जाके आना होता था। अगर वही क्षत्रिय होता था उसे अग्नि से गुजरना होता था कि अगर तुम अग्नि से गुजर गए और बच गए तो माना जाएगा कि आप सही हो। तो माँ सीता क्षत्राणी थी इसलिए उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए। और अगर कोई शूद्र होता था तो उसे क्या कहा जाता था, उसे विष पिला के चेक किया जाता था, अगर वो बच गया तो समझ लीजिए कि वो सत्य है। तो अब बताइए कितनी बेवकूफ टाइप की न्याय व्यवस्था थी। आप जब न्याय व्यवस्था में कमी समझेंगे तभी आज समझेंगे कि आप हजारों वर्षों से बनी जिस न्याय व्यवस्था का उपभोग कर रहे हैं वह कितनी बेहतर है। तो न्याय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए और उसे समाज के समतलीकरण में तत्पर होना चाहिए, भेदभाव न क्रिएट करे, उसे उससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सधे,
उससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मिले और दूसरा संभव हो तो सभी व्यक्ति लाभान्वित हो, संभव हो तो सभी व्यक्ति लाभान्वित हो। व्यावहारिक हो, सिर्फ सैद्धांतिक ना हो, कानून व्यावहारिक होना चाहिए, सिर्फ सैद्धांतिक नहीं। कानून की जानकारी समाज को पर्याप्त मात्रा में दी गई, कानून के बारे में समाज में अवेयरनेस भी हो, कानून की जानकारी समाज को पर्याप्त मात्रा में दी गई, यानी कानून के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, अगर कानून की बात आएगी तो कानून में तीन चीजें हमेशा रहेंगी, एक तो उसका उसके बारे में लोग अवेयर हों, दूसरा उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, तीसरा वह उचित प्रक्रिया से बना। कानून में तीन चीजें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। फिर दूसरा अगला पॉइंट है, कानून उचित प्रक्रिया से बना हो और उससे जनता की, उसमें जनता की राय भी शामिल हो। भाई जिसके लिए कानून बन रहा है, आप अगर उसकी राय ही नहीं ले रहे हैं तो क्या यह उचित है? इसलिए अब जो भी कानून बनता है उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है और जनता की राय आमंत्रित की जाती है कि यह कानून बन रहा है, आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रक्रिया है बताइए। तो कमेटी स्क्रीन करती है कि कानून का क्या राय है, मतलब लोगों की क्या राय है, फिर उसी हिसाब से उसमें प्लस माइनस किया जाता है। वह राज्य की शक्तियों को अंधाधुंध तरीके से बढ़ाता ना हो, ऐसा ना हो कानून आपने बना दिया उसने राज्य की शक्ति को अंधाधुंध तरीके से बढ़ा दिया, ऐसा भी जैसे मीसा और यूपी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट था, एक ऐसे जो कानून होते हैं निवारक निरोध अधिनियम टाइप के जो कानून होते हैं, थोड़ा सा हम एक दो लाइन आपसे चर्चा भी कर देते हैं, निवारक निरोध अधिनियम टाइप के जो भी कानून होते हैं वो कठोर होते हैं। क्यों? उसमें क्या है, निवारक निरोध अधिनियम, घटना घटने से पहले ही गिरफ्तारी कर ली जाए और आपको सजा दी जाए। मान लीजिए कल कोई घटना घटनी है, आप घटाएंगे उससे पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपकी सभी पावर्स में तो आपको दलील मिलेगी ना अपील मिलेगी और आपको प्रिवेंट कर दिया गया, तीन चार आपकी सारी संपत्ति सब आपको फ्रीज कर लिया गया। ये कोई अच्छा कानून थोड़ी नहीं है भाई, ये तो किस दुरुपयोग हो सकता है इसका। आपने कह दिया कि यार इससे खतरा है, देश की सिक्योरिटी का आप उठा लेंगे और धुलाई चालू कर दी उसका, उसका जो हैवियस्ट कॉर्पस है जो उसे संविधान के तहत जो भी अधिकार मिले हैं उसका कोई मोल ही नहीं रह गया। तो ऐसे कानून जो राज्य की शक्ति को अंधाधुंध तरीके से बढ़ाते हैं नहीं बनने चाहिए, ठीक है, गलत है। यानी वह राज्य की शक्तियों को ना बढ़ाता हो। अच्छा कानून कौन है, उसे प्रगतिशील होना चाहिए, समाज के समतलीकरण में बराबर योगदान देना चाहिए, ठीक है, तत्पर होना चाहिए, उससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सदैव संभव हो तो सभी को सुख मिले। तीसरा पॉइंट क्या था, वह व्यवहारिक हो, सिर्फ सैद्धांतिक ना हो, ठीक है। चौथा क्या, कानून के प्रति सभी लोगों में जागरूकता हो, सब जानते हो। पांचवा पॉइंट क्या, उसे उचित प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया, कोई ऐसा नहीं कोई अपने मन में आ बना दिया, जनता की राय भी शामिल हो और वह राज्य की शक्तियों को अंधाधुंध तरीके से बढ़ाता ना हो, ठीक है, करेक्ट। एक बार आप लोग भी रिवाइज कर लो। चले हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए गलत कानून कोई बन गया तो उसका आप विरोध कैसे करें? तो उसके दो तरीके, दो पक्षों पर इसका विरोध हो सकता है, दो मुद्दों पर इसका विरोध हो सकता है या दो फ्रंट पे इसका विरोध हो सकता है। दो फ्रंट कौन कौन से हैं? एक है जनता और दूसरा है सिविल सेवक। जनता इसका विरोध कैसे करेगी? अहिंसक
तरीके से, जहीं जनता अहिंसक तरीके से इन कानूनों का विरोध करेगी, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, धरना देना, हड़ताल करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, हड़ताल करना, धरना देना इत्यादि। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता, आपको ये बतलाना कि इस कानून में लिया गया कमी है। सिविल सोसाइटी को विरोध प्रक्रिया में शामिल करना, सिविल सोसाइटी को विरोध प्रक्रिया में आप क्या करेंगे, शामिल करेंगे, और जनहित याचिका के माध्यम से जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक समीक्षा करवाएंगे इस कानून, जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक समीक्षा करवाना कि आप ये पता लगाएंगे कि कानून में खामी है तो इसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है मित्रों, दोस्तों आप सविनय अवज्ञा आंदोलन करें, अहिंसा करें, अहिंसात्मक आंदोलन चलाएं, धरना दें, ठीक है, प्रदर्शन करें, सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाएं कि इस कानून में यह कमी है, सिविल सोसाइटी को विरोध प्रक्रिया में शामिल करें, और जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक समीक्षा आप करवाएं। ठीक है, ये भी हो सकता है। एज ए सिविल सेवक आप क्या कर सकते हैं, एज ए सिविल सेवक यदि विवेकाधीन शक्ति है तो उसका प्रयोग करते समय कुछ विलंब कर देंगे। मान लीजिए आपको लगता है कानून गलत है और आपके पास विवेकाधीन शक्ति है तो उसका प्रयोग करते हुए कानून का तुरंत लागू नहीं करेंगे। कोई कानून बन के आया और आपको लगता है कानून सही नहीं है तो आप तुरंत उसको लागू नहीं करेंगे, और संबंधित फाइल पर नोटिंग के माध्यम से यह दर्ज करना कि कानून में क्या क्या समस्याएं हैं, और संबंधित फाइल पर नोटिंग के माध्यम से दर्ज करना कि इस कानून में क्या क्या समस्याएं हैं, तथ्य और प्रमाण देना, तथ्य और प्रमाण देना, संबंधित फाइल पर नोटिंग के माध्यम से यह दर्ज करना कि कानून में क्या क्या समस्याएं हैं, तथ्य और प्रमाण देते हुए। अति विशिष्ट मामले में ही कानून का प्रयोग करना जहां दूसरा विकल्प ना हो, कोई मामला अति विशिष्ट कोटि का है तभी उसका प्रयोग करना जहां दूसरा विकल्प ना हो। यदि न्यायालय में उस कानून के विरुद्ध याचिका लंबित हो तो कानून के प्रयोग को स्थगित करना, जैसे मैंने बताया एलजीबीटी समुदाय की याचिका लंबित थी कोर्ट में और आप अधिकारी हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे हुआ है तो आप उसके इम्प्लीमेंटेशन उसके प्रयोग को लंबित रखेंगे। भाई जब मामला लंबित है तो आप उस पर निर्णय ही मत लीजिए, ऐसा नहीं कि आप निर्णय ले लें क्योंकि भाई आपको कुछ मिल गया ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा कानून अच्छी गलत कानूनों का विरोध ही करना है। अपनी सेवा शर्तों के अधीन रहते हुए उचित मंच पर प्रतिरोध दर्ज करना, अपनी सेवा शर्तों के अधीन रहते हुए उचित मंच पर प्रतिरोध दर्ज करना, आपकी सेवा शर्तें जो आपको अलाउड करती हैं उसके अधीन रहते हुए आप विभिन्न मंचों से प्रतिरोध दर्ज करना। अंतरात्मा की आवाज, तो आप लोगों ने भी कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया होगा, मेरी आत्मा अंदर से नहीं बोल रही इस कार्य को करने के लिए। यस सर, नहीं होगा,
कई बार आप लोगों ने इसका प्रयोग भी किया होगा जी सर। तो आप लोग बताएं कि अंतरात्मा क्या होती है। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की उसपे कोई दिक्कत? नो सर। समझ में? नो सर, नो सर, नो सर। आज तो काफी लोग जुड़े थे, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग आ रहे हैं। अंतरात्मा क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं आप लोग, अपना अनुभव साझा करें मंच। सर, अंतरात्मा के बारे में जो मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि सर, अगर हमारे कोई भी गलत काम हो रहा है तो हमें ऐसा महसूस होता है अंदर से कि ये कोई गलत कार्य है जिसको हमें ना किया जाए। तो हमारा जी, और कोई बताएं? संजय बताएं, सचिन आप बताएं। सर, अपने विवेक से किया गया कार्य वो अंतरात्मा के अंतर्गत आ सकता है। ओके, और कोई ज्ञानी पुरुष, महिला जो भी हो बताएं। अरे घबराए ना, कुछ कुछ बताएंगे तो फिर वो क्लियर होने लगता है। सचिन ने बता दिया। सर, नैतिक और अनैतिक के रूप में सर वो सही डिसीजन अपने अंदर से जो फीलिंग्स लें सर, उनको अंतरात्मा बोलते हैं। अच्छा। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंतरात्मा रहती कहाँ है? खुद का सर, इंटरनली सर जो डिसीजन होता है सर उसी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों की तैयारी अच्छी है। पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि अंतरात्मा क्या है। अंतरात्मा क्या है? धर्म कहता है ईश्वर की आवाज है। धर्म क्या कहता है? कि अंतरात्मा ईश्वर की आवाज है। ठीक। सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड की भाषा में सुपर ईगो ही अंतरात्मा है। मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कशन किया है कि सिगमंड फ्रायड कहते हैं एक इड होता है, ईगो होता है, और ईगो होता है। इड क्या होता है? जो हमारी वासनाएं होती है, मतलब जो हमारे हमारा जीवन जीने के लिए जो भी हमारी वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, इदम है। और जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, जो हमने सीखा है बचपन से लेके आज तक कि अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी अच्छा सीखा है वो क्या है? सुपर ईगो। और हमारे सुपर ईगो हमारे इद और इदम के बीच में लगातार संघर्ष जारी रहता है, रस्सा कस्सी चलती रहती है। हमारा सुपर ईगो कहता है कि आप महान बने और अच्छे कार्यों को करें, और जो हमारी इदम है यानी जो हमारी इंस्टॉल्ड इच्छाएं हैं, वासनाएं, वो कहती नहीं नहीं हमें जीवन में अपने बारे में सोचना चाहिए, वासना और इच्छाओं के बारे में सोचना चाहिए। दो तरीके के कोने हैं, दो तरीके के पॉइंट्स हैं। और जो हमारा ईगो होता है वो कहीं बीच में होता है, रस्सा कस्सी में, हम कहीं बीच में होते हैं। ये इधर मुझे खींच रहा है, ये इधर मुझे खींच रहा है, मैं बीच में। अब जिस जो ज्यादा पावरफुल होगा, अगर सुपर ईगो ज्यादा पावरफुल है तो आप नैतिक मान इंसान बनेंगे, और आपका इदम ज्यादा प्रभावशाली है तो आप अनैतिक बन जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी की माँ ने उन्हें बचपन में कई बार गीता सुनाया था, कई बार गीता सुनाया था। तो गीता सुनते सुनते जो उनका सुपर ईगो था बहुत जबरदस्त रूप से मजबूत हो गया था, इसलिए महामानव बने। ठीक है। और जिस व्यक्ति के माता पिता नहीं होते और आस पड़ोस वाले उसे गलत बातें सिखाते रहते, वो हार्डकोर क्रिमिनल बनते हैं। और हम लोगों जैसे जिसको बराबर ट्रेनिंग मिली है दोनों की, फैमिली अच्छा करना है, तो हम लोग सिगमंड फ्रायड की भाषा में सुपर ईगो ही अंतरात्मा है, यानी जो हमारा नैतिक मन है वही हमारी परा अहम और नैतिक मन। परा अहम यानी इदम, इदम को हिंदी में परा अहम बोलते हैं, या सॉरी नैतिक मन को सुपर ईगो को परा अहम बोलते हैं। तो इदम अहम और परा अहम हिंदी में, इदम अहम परा अहम,
इंग्लिश में इड, ईगो, सुपर ईगो, आईडी, इड, इड, इदम, इसे इदम बोलते हैं, इदम अहम पराहम, समझ गए, इदम अहम पराहम। यस सर। ईशा, ईशा। यस। बटलर क्या कहते हैं? बटलर कहते हैं कि अंतर आत्मा के दो पक्ष, एक पक्ष है संज्ञानात्मक और एक पक्ष है अधिकारात्मक। अभी हम वो बात करेंगे बाद में, अब थोड़ा सा दो लाइन की परिभाषा लिख लेते हैं। अंतर आत्मा क्या है? अंतर आत्मा क्या है, इसके संदर्भ में विभिन्न मत है। कुछ धार्मिक चिंतक इसे ईश्वर की आवाज बताते हैं, जबकि सिगमंड फ्रायड जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की राय में, यह व्यक्ति का नैतिक मन या सुपर ईगो है। जबकि सिगमंड फ्रायड की जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की राय में यह व्यक्ति का नैतिक मन या सुपर ईगो। अब जो परिभाषा आप लोग बता रहे थे वह है कि जब व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से विचलित होकर, कोई अनैतिक कार्य करने लगता है तो उसके भीतर एक विरोधी आवाज उपस्थित होती है, उसे ही अंतर आत्मा की आवाज कहा गया, इस दृष्टि से अंतर आत्मा वह आंतरिक नैतिक शक्ति अपनी समझ है। इस दृष्टि से अंतरात्मा वह आंतरिक नैतिक समझ है जो हमें नैतिक विचलन से रोकती है। जब भी कोई आप अनैतिक कार्य करने जाते हैं, विचलित होकर नैतिक मूल्यों से अनैतिक कार्य करते हैं, तो आपकी अंतरात्मा आपको मन के भीतर एक विरोधी आवाज आती है, नहीं मत करो, लेकिन फिर भी आप करते हैं, ठीक है। इस दृष्टि से अंतरात्मा वह आपकी आंतरिक नैतिक समझ है जो हमें नैतिक विचलन से रोकती है। तो आप समझ गए क्या है? जब भी आप कोई गलत काम करने जाएंगे तो आपके भीतर से एक आवाज आएगी, हरी रुक जाओ, नूतन रुक जाओ, मत आगे बढ़ो, लेकिन जो आपका इदम है वो कहेगा नहीं नहीं करो करो, परा अहम उसे रोकेगा नहीं नहीं, इदम कहेगा करो करो, इसी के बीच में आप झूलते रहते हैं और जो आपका एक्शन होता है वो आपका ईगो होता है। तो जो आपको रोक रहा है, समझा रहा है, बुझा रहा है, वो नैतिक समझ क्या है? वही अंतरात्मा, ठीक है। अब भाई अंतरात्मा का भी प्रकार होगा, तो प्रसिद्ध अंतःप्रज्ञावादी विचारक, जोसेफ बटलर, प्रसिद्ध अंतःप्रज्ञावादी विचारक जोसेफ बटलर ने अंतरात्मा के दो पक्ष बताए हैं, संज्ञानात्मक और अधिकारात्मक।
संज्ञानात्मक पक्ष है कि अंतरात्मा, संज्ञानात्मक पक्ष क्या कहता है कि अंतरात्मा हमें उचित और अनुचित का ज्ञान देती है। पहले तो आपको यही बताएंगे ना, ये गलत है ये सही है, उचित और अनुचित का ज्ञान देगी। जबकि अधिकारात्मक पक्ष है कि उचित कार्य करने के लिए प्रेरित और कभी कभी बाध्य करता है। तो अधिकारात्मक अथॉरिटी पक्ष जो है, अधिकारात्मक पक्ष है वो आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी और बाध्य भी करेगी। एक बार सर अधिकारात्मक को रिपीट कर दीजिए। कहां से रिपीट करें? अधिकारात्मक जो है अंतरात्मा के बारे में। अधिकारात्मक पक्ष है कि उचित कार्य करने के लिए प्रेरित और ब्रैकेट में कभी कभी बाध्य भी करती है, ब्रैकेट में कभी कभी बाध्य, ब्रैकेट क्लोज करती है, प्रेरित करेगी और कभी कभी आपको बाध्य भी करती है अच्छा काम करने के लिए। अंतरात्मा का कभी आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? यस सर, अंतरात्मा सर वह चीज है सर, कभी कभी इंसान को मतलब कि कुछ भी गलत करने से मतलब इंसान को रोकती बहुत जल्द सबसे पहले है। जिसने अंदर आत्मा की सर बात सुन ली, बहुत बढ़िया बहुत। तो साथियों आज हम लोगों ने अंतरात्मा तक पढ़ा, कल आप सभी लोग जो भी पढ़े हैं उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कल हम चर्चा करेंगे कि अंतरात्मा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, ठीक है, और अंतरात्मा का प्रयोग करते करते क्या सावधानी करनी चाहिए होनी चाहिए और अंतरात्मा के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए हमारी अंतरात्मा भी प्रशिक्षित होती है ना, कोई ईश्वर की आवाज तो है नहीं। मैंने आपसे कहा ही था कि अगर आप जैन के घर में पैदा हुए हैं तो आप जीव हत्या के विरोधी होंगे, लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम समुदाय में पैदा हुए हैं तो बकरा ईद का त्योहार आपके लिए पर्व है। तो दोनों की अंतरात्मा है ना, ऐसा नहीं कि उसकी यहाँ अंतरात्मा नहीं थी, आप नहीं अंतरात्मा है, समझ गए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कशन किया और आज तो आप लोग काफी संख्या में जुड़े लेकिन आप लोग बोले कम, मौका कम मिला। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ पाए होंगे जो मैंने बताया है और आप सभी का दिन शुभ और नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।